हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, लक्ष्मण जी नहीं सोए 14 साल। आखिर क्यों नहीं सोए थे वो 14 साल? आइए ये कहानी शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक क्यों नहीं सोए? यदि आप जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस किस को ये सब पता है। सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। ये कहानी रामायण काल से जुड़ी है। रामायण तो आप सभी ने सुनी होगी या पढ़ी होगी। रामायण में दो मुख्य किरदार हैं, एक श्री राम जी का और एक माता सीता का। परंतु रामायण में अगर लक्ष्मण जी ना होते तो शायद ही रामायण पूरी होती। लक्ष्मण जी के बिना रामायण अधूरी मानी जाती है। आइए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। बात उस समय की है जब राजा दशरथ रामचंद्र जी को राजपाट सौंपने वाले थे। तभी उनकी दूसरी पत्नी केकई को उनकी दासी मंथरा ने खूब भड़काया। मंथरा ने कहा कि राजा तो आपके बेटे भरत को ही बनना चाहिए। इसके बाद केकई ने राजा दशरथ से दो वर मांगे। पहला, भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा कि 14 वर्षों तक राम वन में रहेंगे। राजा दशरथ को अपनी पत्नी के दोनों वर पूरे करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वह अपने बड़े भाई और माँ समान भाभी सीता जी की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम भी वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी के ऐसे भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती हैं और महल में ही रुक जाती हैं। वन में पहुंचकर लक्ष्मण जी भगवान राम और माता सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे तब लक्ष्मण जी बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण जी पहरेदारी कर रहे थे तब उनके सामने निंद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। निंद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दें। इस कारण लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्षों तक सोती रही। 14 वर्षों के बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण जी अयोध्या वापस आए तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राज तिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देख लक्ष्मण को हंसी आ जाती है। जब लक्ष्मण जी से हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने निंद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं उबासी लूंगा तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। सभी को हंसता देख
उर्मिला लज्जावश स्मारों से उठकर बाहर चली जाती हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किस किस को इस बारे में पहले से ही पता था वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।